नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। आज से बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। दोनों सदनों की अगर बात की जाए तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। और इन सब के बीच, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में कोरोना को देखते हुए कई सारे एहतियात सभी को बरतने होंगे, चाहे वो फेस मास्क की बात की जाए या सैनिटाइजर के इस्तेमाल की बात की जाए, हर वो कोरोना के प्रोटोकॉल जो हैं उसे दोनों सदनों के भीतर पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से सुबह 11:30 बजे से होगी। इसके अलावा इन दोनों सदनों में क्या कुछ तैयारियां हैं, आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार 19 फरवरी से आरंभ हो रहा है। इसको लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में तैयारियां पूरी हो गई है। कोरोना संकट के बीच आहूत इस लंबे सत्र में सामाजिक दूरी, फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक होगा। सदन को शांतिपूर्ण व निर्बाध चलाने को लेकर विधान परिषद में और विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सभी दलों के आला नेताओं ने सरकार के वित्तीय कार्य को लेकर आहूत इस बैठक को सुचारू रूप से चलाने तथा जन सरोकार के मुद्दों के समाधान को लेकर अपना सकारात्मक रुख दिखाया। 1 माह व 5 दिन के सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में कुल 22 बैठकें होंगी। इन सभी कार्य दिवसों में संचालित होने वाली गतिविधियां तय कर दी गई। पहले दिन बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल फागू चौहान 11:30 बजे से दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। पहले ही दिन 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। 22 मार्च को 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। पहली बार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इसे पेश करेंगे। विधानसभा में चुनकर आए 104 सदस्यों के लिए यह सत्र नया अनुभव लेकर आया है। पहले वो ना सिर्फ विधायी कार्य देखेंगे बल्कि कि उसका हिस्सा भी बनेंगे। विधानसभा सचिवालय ने इन सभी सदस्यों को कायदे कानून की जानकारी के लिए विशेष पहल की है। इनको संबंधित किताबें भी मुहैया कराई गई है। विधान परिषद में उपचुनाव के बाद 2 सदस्य बढ़े हैं। इनमें सैयद शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी हैं। हालांकि दोनों राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। बजट सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी खास है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सर्वदलीय बैठक में भी ये जो संभावना है वो दिखी जब विपक्ष नेता इसमें शामिल होने आए। आमतौर पर उनके प्रतिनिधि ही आते रहते हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को महंगाई, विशेषकर पेट्रोल डीजल, कोरोना जांच, अपराध और भ्रष्टाचार आदि के सवाल पर घेरने की कोशिश करेगा। सर्वदलीय बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष पर हर पलटवार के संकेत दिए। कहा, सदन सुचारू होकर चले यह सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जवाबदेही है। विपक्ष द्वारा उठाई गई जन समस्या के समाधान की स्थिति तभी बन सकती है जब सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र के दौरान 9 महत्वपूर्ण विधेयक व अध्यादेश पेश किए जा सकते हैं। 1 बिल वाणिज्य कर विभाग का आएगा, यह कोरोना संकट के चलते टैक्स संग्रह की अवधि के विस्तार से संबंधित होगा। दूसरा अध्यादेश शिक्षा विभाग का होगा, जिसमें राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष के मनोनयन को लेकर टर्म निर्धारण में छूट का संदर्भ रहेगा। अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों में अधिकांश सरकार के साथ निश्चय 2 से जुड़े विभिन्न विभागों के विधेयक होंगे। तो यह सत्र पूरे 1 महीने 5 दिन तक चलेगा और करीब 22 बैठकें 1 माह और 5 दिन के भीतर होंगी। और साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें और अगर हम बिहार के बजट की बात करें तो 22 मार्च के दिन इसे पेश किया जाएगा और पहली दफे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इसे पेश करेंगे। यानी कि सदन में क्या कुछ होगा इसकी पूरी डिटेल हमने आपको दी। पूरी 22 बैठकें होंगी, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी और साथ ही साथ जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उन्हें भी विपक्ष की तरफ से प्रमुखता से रखा जाएगा और कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से रहेगी कि पूरी तरीके से इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने साफ कह दिया है कि इन सभी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब सदन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रूप से सुचारू रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।